नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाटीदार ब्लॉग में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, किस प्रकार से प्याज की खेती की जाती है और प्याज का जो चोप है उसको किस प्रकार से उकाड़ते हैं, बिल्कुल मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये पूरे प्याज का चोप कर रखा था यहाँ पे तैयार, और खेत में यहाँ पर प्याज को जो चोप है उकाड़ रहे हैं, और किसान दूसरे खेत में ले जा कर के इनको लगा रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं किस प्रकार से खेत में चोप को लगाया जाता है। दोस्तों, जो पूरी तरह से तैयार है, प्याज का रोपण तैयार हो चुका है ये, और ये पहले बेच चुके हैं 2-3 क्यारे, और ये जो है अब ये उखाड़ रहे हैं। ये कवालाल जी गुजर हैं, और कैसे उखाड़ते हैं ये एक करके इनको उखाड़ रहे हैं। कितना टाइम लगता है इसको उखाड़ने में? 2 दिन लगते हैं। 2 दिन लगते हैं, बहुत टाइम लगता है। मतलब धीरे धीरे उखाड़ना पड़ता है ना, एक एक उखाड़ना पड़ता है। फिर इसको इस प्रकार से ये गोरियां बना रहे हैं, और ये गुछरी बना रहे हैं इसे। इसको मशीन में डालोगे क्या गुछरी को? मशीन में नहीं है सब, हमारे मजदूर चोपेंगे, एक एक चोपेंगे। मशीन हमारे इस एरिया में है नहीं अभी तक। तो प्याज की मशीन भी तो आ गई, नई मशीन है जिसमें बैठ गया। तो अच्छा है, मशीन मंगवाने से पहले अगर मजदूरों के पास ही लग जाएगी तो मजदूरों को 2 पैसा मिलेगा तो अच्छा रहेगा, फायदा मिलेगा। बाकी ये कैसे गुछरिया कैसे बना रहे, क्यों बना रहे इसे? ये क्या है सब के बोरी में भरेंगे तो बिखरेगा नहीं। अच्छा, तो एक एक गुछरी वहाँ मजदूरों को दे देंगे। हाँ। तो वो खोल के ले रही और अपने 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 हिसाब से एक लगाते जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे प्याज का रोपण, किस प्रकार से उखाड़ते हैं और इसको किस प्रकार से खेत में लगाते हैं। पूरा ये प्याज का रोपण तैयार हो चुका है, और अब अन्य खेत में ले जा करके ये किसान भाई लगा रहे हैं।